और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। दावा किया गया कि पंजशीर में हमले के दौरान तालिबान लड़ाकू ने कई हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में कई हेलीकॉप्टर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आसपास कई गाड़ियां घूमती हुई दिखाई दी। दावा किया गया कि ये सारे हेलीकॉप्टर NRF के हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से सामने आ रही है, खासतौर पर पंजशीर से, जहां पर पंजशीर में हमले के दौरान तालिबान लड़ाकू ने कई हेलीकॉप्टरों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, जो ये वीडियो है, क्या वाकई ये पंजशीर इलाके का ही है जहां पर ये कहा जा रहा है कि NRF के कई हेलीकॉप्टर कब्जे में है तालिबान के? शिवानी, तालिबान ने दावा किया है कि गवर्नर ऑफिस, इससे पहले थोड़ी देर पहले तालिबान की तरफ दावा किया गया था कि उन्होंने गवर्नर ऑफिस जो कि पंजशीर में है उस पर हम कब्जा कर लिया है। इसके अलावा अब एक जो ताजा दावा किया गया है तालिबान की तरफ से कि हेलीकॉप्टर जो कि NRF के थे, NRF के लड़ाके इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर कब्जा किया गया। देखिए, इस बार पंजशीर पर कब्जा करना बहुत टफ तालिबान के लिए नहीं होगा। पिछली बार बहुत टफ हुआ था क्योंकि पिछली बार बहुत सारे ऐसे इलाके थे अफगानिस्तान के अंदर ही जहां तालिबान का कब्जा नहीं था, इसलिए तालिबान पिछली बार कमजोर था। इस बार तालिबान अलग है, पिछली बार की तरह नहीं है, तो वो कब्जा कर सकते हैं। और ये जो नए फुटेज आए हैं जो अपने टीवी स्क्रीन पे अब तक हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, तो दावे को मान सकते हैं। लेकिन हमने NRF के बहुत सारे जो प्रवक्ता हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, उनको दो तीन विजुअल्स और सारी जानकारियां भेजी हैं क्या ये सही है। अब तक उनका जो फोन है या जो व्हाट्सएप है वो लोग नेटवर्क एरिया से बाहर है, क्योंकि पंजशीर के इलाके में तालिबान ने मोबाइल नेटवर्क को बंद कर दिया है, इसलिए बहुत सारे लोग नेटवर्क एरिया से बाहर हैं। बिल्कुल, यानी कि दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कितनी है इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। पुष्ट जानकारी इसको लेकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार तालिबान की ओर से इससे पहले भी कई तरह के दावे किए गए हैं। और जहां पर